नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं ईसापुर के दादा बूढ़ा मंदिर प्रांगण में। मेरे साथ ईसापुर के कुछ युवा सदस्य हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। साहिल है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। साहिल जी, धर्म संसद, धर्म को लेकर के परिचर्चा का आयोजन आज दादा बूढ़ा मंदिर प्रांगण में किया गया है, क्या एजेंडा है और किस तरह की परिचर्चा है ये? भाई साहब, धर्म संसद का आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ कई आपत्तियां आन पड़ी हैं। उन आपत्तियों को दूर करने के लिए, अपने जो युवा हैं उनको संगठित करने के लिए, हिंदू धर्म के प्रति उनको रुझान बनाने के लिए आज इस धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संघ के प्रचारक, एक बहुत बड़ी बात है इस आयोजन में हमारे संघ के प्रचारक पहुँचते हैं, अनेक संगठन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि ये युवा जाग सके, अपने हिंदू धर्म के प्रति कार्य कर सके। और हम भाई साहब बताना चाहते हैं, ये कोरोना था, कोरोना महामारी में ये मुसलमान तो अपने इस्लामिक, ये इस्लाम कोई धर्म वगैरह नहीं है, ये सिर्फ एक 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद द्वारा चलाया गया एक अपने आप को बढ़ाने वाला एक संगठन है, ये कोई धर्म नहीं है। तो हम इस इस्लाम को नीचे लाने के लिए, अपने सनातन धर्म को ऊपर उठाने के लिए इस प्रयासरत हैं हमेशा के लिए कि हिंदू धर्म आगे बढ़े, इसके लिए आज इन युवाओं को संगठित किया गया एक तरीके। जी हाँ, और आपने देखा कि यहाँ पर धर्म संसद पर चर्चा की गई है, ईसापुर के जो युवा साथी हैं उन्होंने आयोजन किया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमित जी, क्या कहेंगे आज की इस चर्चा को लेकर? बढ़िया चल रही है, अभी उधर तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपना पुलिस वगैरह के लिए। जी जी जी, क्या नाम भाई साहब? चेतन नगर। चेतन भाई, क्या कहोगे इस धर्म संसद के बारे में? यही कहना चाहते हैं, ज्यादा युवा साथी है, उन्हें जागरूक किए जावे, उठाया जाओ, उनते नहीं तो भाई अपने धर्म के प्रति कुछ ना कुछ करें। घर पर बैठे कुछ नहीं हो सकता, जब तक कुछ नहीं करोगे कुछ पॉसिबल नहीं। अपने ज्यादा भाई अपने साथ मिल के और अपने धर्म ना बचाने की कोशिश करो। जब भी आके देखी माँ की खाओगे दवाई खाओगे जी, उठो और अपने लड़ो। जी हाँ, आपने देखा कि यहाँ राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत ईसापुर के कुछ युवा साथी हैं जो तमाम संगठनों से जुड़े हुए हैं, चाहे मैं गोरक्षा दल की बात करूँ, विश्व हिंदू परिषद की बात करूँ या बजरंग दल की बात करूँ। समय समय पर यहाँ ये इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं जिससे युवाओं को एक सकारात्मक दिशा मिल सके, युवाओं के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा की जा सके ताकि वे युवा अपने देश, अपनी जाति धर्म की उन्नति के लिए कार्य कर सकें। और तमाम जो ईसापुर के युवा हैं आज काफ़ी बड़ी संख्या में, मैं कहूँगा कि सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ ईसापुर के इस दादा बूढ़ा मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। राष्ट्रवाद और धर्म की चर्चा की जा रही है, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए और कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए जागरूक किया गया है। भाई साहिल, चेतन डागर और जो तमाम साथी हैं इनसे हमने चर्चा की है। अंत में एक बार साहिल से चाहेंगे, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई खड़े हो जाओ, अपना संगठन तैयार कर लो, ना तो कुछ ही पल है, कुछ ही दिन है, ये हिंदू धर्म बहुत रसातल में जा रहा है। एक बार खड़े हो जाओ और दिखा दो हिंदुआ की, उस भारत माता की जो शेर है दिखा दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, खड़े हो जाओ साथियों, खड़े हो जाओ और इस देश की लड़ जाओ, मर जाओ, मिट जाओ, एक दिन थारा झंडा बुलंद होगा, था रह होगा और होगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जी हाँ, और युवाओं में जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है यहाँ ईसापुर के तमाम युवाओं के द्वारा, ताकि युवा राष्ट्र भक्ति के साथ राष्ट्रवाद की नीति को अपनाएं और राष्ट्र प्रेम उनके अंदर जागृत हो। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, धर्म संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं।